दोस्तों आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्स लेके आया हूँ। फिजिक्स का मतलब हम तो कहते हैं फोर्स है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ फोर्स का करना पड़ता है, वो एलेवंथ हो ट्वेल्थ हो। तो कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा, वो आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाला है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 20 से भी ज़्यादा टाइप्स हैं फोर्सेस के, वो सब आपको बताए जाएंगे। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स से। बैलेंस्ड फोर्स हिंदी में संतुलित बल कहेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट पे कई फोर्सेस लग रहे हो लेकिन 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 ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो। फोर्स लग रहा है बट देयर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वी कैन से दैट रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। तो ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा वह बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, वो बैलेंस फोर्स कहलाएगा। अभी देखिए हम लोग सभी जो अभी बैठे हुए क्लासरूम में, कोई गिर रहे हैं क्यों? बैलेंस फोर्स है ना, इस छत की बार बार हम कहते हैं ये गिर रहा है, नहीं, कारण बैलेंस फोर्स। जबकि इस पर एक फोर्स ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन फिर भी ये बैलेंस है, कारण रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है। जहाँ जब 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 रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा तब तक ऑब्जेक्ट बैलेंस में होगा। इक्वल और अपोजिट फोर्स जो होते हैं तो वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम लोगों का जितना वेट डाउनवर्ड लग रहा है वैतना ही एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मैं आगे आपको इसमें पढ़ाया हूँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो ऊपर की तरफ लग रहा है। इक्वल और अपोजिट फोर्स हो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला क्या है, बैलेंस फोर्स, फोर्सेज विच रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जैसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, आप बेंच पे बैठे हुए हैं तो आपका वेट नीचे लग रहा है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक ऊपर की तरफ लग रहा है, इक्वल है अपोजिट है डायरेक्शन, रिजल्टेंट ज़ीरो होगा और ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनबैलेंस फोर्स जिसका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं होता है ना, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, उसका पोजीशन शेप साइज सब चेंज हो गया, वो अनबैलेंस फोर्स है। टू अनइक्वल फोर्स कभी भी बैलेंस नहीं होता, टू अनइक्वल फोर्सेस नेवर विल बी बैलेंस्ड, दो अनइक्वल फोर्स कभी भी बैलेंस नहीं होगा। देखिए कुछ का मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा, कारण क्या, ये सब अलग अलग चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ग्रेविटेशन एक लंबा चैप्टर है आपका, एलेवंथ में ही पढ़ने हैं, वहाँ ऐसे नाइन्थ में भी पढ़ गया है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2 लाई एट r डिस्टेंस, अगर दो वस्तु m1 m2 द्रव्यमान का r दूरी पे हो तब ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, जब चैप्टर आऊँगा तो इसके बारे में ना, एक लंबा चैप्टर है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। इसी तरह से जब दो चार्जेस हों तो उनके बीच भी फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ट्वेल्थ में जाएंगे तो पहला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आता है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका ये फॉर्मूला होता है Q1 Q2 चार्ज है, r दूरी है, के कांस्टेंट है, के का मान भी आप यूनिट और डायमेंशन निकालते समय देखा था 1/4 pi epsilon, फिर epsilon नॉट, ये सब आते हैं जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रो स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज होता है, स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है, जब दो चार्ज रेस्ट में हो तब उनके बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स कहलाता है। अब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट तो हर कोई बचपन से खेलता है मैग्नेट से, आप देखते हैं कि मैग्नेट को लोहे से लाते हैं तो वो सट जाता है, वहाँ पर अट्रैक्शन होता है। अगर दो मैग्नेट के लाइक पोल्स को नज़दीक लाइएगा देखिए दूर भागेगा, वो रिपल्शन होगा, या अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या है, फोर्स है। दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला Km1 M2 बाई, यहाँ मैंने दिखलाया दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, नॉर्थ साउथ होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों नॉर्थ होगा तो रिपेल करेगा, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ Km1 M2 / r². बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, यहाँ M1 M2 मास है और मैग्नेट में है तो ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है नॉट मास। यूनिट डायमेंशन निकालते समय मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का भी हम लोगों ने यूनिट और डायमेंशन निकाला है। सेंटीपीटल फोर्स, ये भी एलेवंथ का ही चैप्टर है, ये दोनों तो ट्वेल्थ का है लेकिन सेंटीपीटल फोर्स ये आपको एलेवंथ में पढ़ाया जाएगा। सर्कुलर मोशन बहुत जल्दी आने वाला है, आपको
जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स, इस चैप्टर ऐसे ही समाप्त होगा, हमारा अगला चैप्टर फ्रिक्शन शुरू होगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा अगर किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो एक फोर्स कॉन्टेक्ट सरफेस पे पीछे की तरफ प्रोड्यूस होता है, दैट फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शन फोर्स। म्यू इंटू एन बोलते हैं, एन से होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, म्यू को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो एन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ए फोर्स विच एक्ट्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ऑन कॉन्टेक्ट सरफेसेस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों परपेंडिकुलर, और एक्शन का रिएक्शन होता है, इच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट टेबल पर रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है दोस्तों, टेबल पे, इनका वेट कहाँ लगेगा, टेबल पे। वेट जो है वो किधर लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वो एक्शन फोर्स हो गया वेट, जिसका फॉर्मूला होता है एम गुने जी। तो जब एक्शन नीचे लगा तो रिएक्शन किधर लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली इनवर्ड है और ये वर्टिकली अपवर्ड है। नॉर्मल मतलब आप 90 डिग्री का कोण बना के लग रहा है रिएक्शन, एक्शन नीचे लगा तो रिएक्शन ऊपर लगा। हाँ, आप लोग जो बेंच पे बैठे हुए हैं क्यों नहीं गिर रहे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, वेट डाउन लग रहा है, वेट नीचे खींच रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आपको ऊपर तरफ लगा रहा है, दोनों बैलेंस कर दिया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अच्छे से पहचान लें, इसका आगे एफबीडी में बहुत काम है। आगे क्या, जब तक फिजिक्स पढ़ते रहेंगे नहीं, अब नॉर्मल रिएक्शन आता रहेगा आपका। तो नॉर्मल रिएक्शन नाम में ही पता लगा, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, द रिएक्शन प्रतिक्रिया, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो कॉन्टेक्ट सरफेस पे एक रिएक्शन फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कुछ लोग आर से नोट करते हैं लेकिन हम लोग एन लेकर चलेंगे। अब देखिए वेट क्या है, वेट इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दे तो किधर जाएगी, नीचे। तो रीज़न क्या है, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, और इसी ग्रेविटेशन का स्पेशल केस होता है ग्रेविटी, जो अर्थ लगाता है। ग्रेविटेशन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा, और ग्रेविटी में क्या हो जाता है, ये द फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ। अर्थ हर वस्तु को अपने किधर खींचती है, सेंटर की तरफ खींचती है। अर्थ अट्रैक्ट्स इच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो दोस्तों वेट क्या है, वेट इसका भी काम फिजिक्स के हर चैप्टर में लगभग करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट आएगा तो वेट होगा ही, और वेट है क्या, तो कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, क्या कहते हैं, मास और वेट में अंतर ही नहीं समझते, दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। मास को नापते हैं आप किससे, बीम बैलेंस से, जबकि वेट क्या है, आपका भार है। मास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और वेट क्या है, फोर्स है, कितना का डिफरेंस है। लेकिन केमिस्ट्री वाले खास कर देखते हैं, मास को भी वेटे बोलते हैं, जबकि दोनों में बिल्कुल ही डिफरेंस है, बिल्कुल अलग चीज़ है। मास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास को जब आप जी से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके वेट बनता है। जी क्या होता है, ग्रेविटी एक्सीलेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन, ये अलग से आपको पढ़ाया गया टाइप्स ऑफ एक्सीलेशन में। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ाया गया था आपको, जी का मान भी याद होगा आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस, और फिर कहा था इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, चांद पे ये 1/6 टाइम्स हो जाता है, इसलिए वेट भी चांद पे क्या होता है, 1/6 टाइम्स हो जाएगा। तो वेट का काम हमेशा पड़ता रहेगा, वेट फोर्स है, वेट का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बराबर एम जी, m फॉर मास एंड g फॉर ग्रेविटी एक्सीलेशन, m फॉर मास एंड g फॉर ग्रेविटी। पढ़ने में तो मन नहीं लग रहा है, अभी कुछ पूछेंगे तो उत्तर दक्षिण देखेगा। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होगा, जहां वेट की बात होगी वहां न्यूटन होगा, जहां मास होगा वहां केजी होगा, इसलिए दोनों बिल्कुल अलग चीज है। आप लोग गलती ना करें, फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले करते रहते हैं। तो वेट हमेशा किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस तरह का फिगर बनाना ही एफबीडी कहलाता है, इसी फिगर का नाम एफबीडी है, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स बॉडी डायग्राम, कौन सा फोर्स किधर लग रहा है।
अभी आपने पढ़ा वेट नीचे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है, ऑब्जेक्ट को आगे खींचिएगा तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस पे उसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो आपने चार चार फोर्स को दिखाया तो इसका नाम हो गया FBD। कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इसको रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम ही FBD कहलाता है। इसमें जब हर फोर्स पहले मालूम होगा तब ना आप दिखाइएगा FBD। तो वेट को हमेशा किधर दिखाना है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, इंक्लाइन प्लेन होगा उस पर भी 90 डिग्री का नीचे दिखाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उस पर 90 डिग्री का कोण बनाकर ऊपर दिखाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा FBD। रिजल्टेंट फोर्स, कई वेक्टर, कई फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो और सबको सबका वेक्टर सम करें, सिंपल सम नहीं, अल्जेब्रिक सम नहीं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसका रिजल्टेंट फोर्स। किसी एक वस्तु पे लगने वाले जितने भी बल हैं सबको जोड़िए। कैसे जोड़िए? वेक्टर के फॉर्म में जोड़िए, सिंपल नहीं जोड़िए। मैंने कहा ना वेक्टर वास्तव में बना है फोर्स के लिए, वेक्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ का है फोर्स में, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यहाँ F1, F2, F3 ये सब फोर्सेस लग रहे हैं, सबको वैक्टर के तीर लगाया गया है। वो जो नया फोर्स बनेगा वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। और ये दो वाला जो दो फोर्स का ये ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में काम करना पड़ता है हम लोगों को, रिजल्टेंट फोर्स निकालना रहता है। तो वही वेक्टर का ही फॉर्मूला लगेगा, ए के जगह F1 है, बी के जगह पे F2 है। तो याद कीजिए मोड आर का क्या फॉर्मूला था, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मोड ए मोड बी कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए के जगह पे F1 मोड F1 स्क्वायर मोड F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मोड F1 F2 कॉस थीटा। वेयर व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। इसको आसानी से लिखने का ये तरीका आपको बताया गया था कि अगर आप मोड हटाते हैं तो तीर भी हटाइए, और रूट हटाना चाहते हैं स्क्वायर कर दीजिए। इसे कैलकुलेशन करना लिखना थोड़ा आसान हो जाता है हमारा। ये फॉर्मूला हमने आपको याद कराया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिर्फ क्या याद रखना, 2ab के साथ कॉस थीटा लगता है। इसी में स्पेशल केस भी हम लोगों ने वेक्टर में किया था कि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा कितना होगा, सेम डायरेक्शन में थीटा। कुछ लोग बोल नहीं रहे, मुंह क्यों नहीं चलाते हैं, सेम डायरेक्शन में कितना एंगल बनता है। बार बार मैं पेन लेकर के इस तरह से करके दिखाता हूँ कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में है, ये पे थीटा एंगल बन रहा है। अब ये दोनों सेम में आना चाह रहा है, दोनों मिलेगा, मिलेगा तो सेम डायरेक्शन, थीटा कितना हो गया, बिल्कुल दोनों लाइन मिल गया तो एंगल जीरो हो गया। अपोजिट में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 180 हो गया, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री। तो कभी भूल जाइए, कन्फ्यूजन होने, अभी भी कुछ लोग बोल रहा था, कितना बोला था, 180 बोल रहा था, सेम डायरेक्शन में जीरो, सेम डायरेक्शन में अपोजिट, ऐसे ही चला गया, स्ट्रेट लाइन 180, परपेंडिकुलर 90। जब भी कन्फ्यूजन होने लगे दो पेन लीजिए, सोच लीजिए। तो थीटा सेम डायरेक्शन में जीरो डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा F1 प्लस F2। अपोजिट में थीटा 180 होगा, कॉस 180 माइनस 1 होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, बचेगा F1 माइनस F2। और परपेंडिकुलर वाला खुद कर लेना है और आंसर डालना यूट्यूब। सिर्फ एक लड़का देखते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर डाला, सिर्फ सहमूद, हम तभी तो देखते हैं, सिर्फ सहमूद का ये दिया आंसर डाला था, उस बैच कलर का जो सहमूद है, इतना लेट से ठीक है सब लोग। इसका थर्ड वाला जो कंडीशन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब होगा क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, थीटा 90 डालना है, सॉल्व कीजिएगा रूट अंडर, इतना तो आंसर डाल सकते हैं ना आप लोग। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, धन्यवाद।